ये क्लास सेवन्थ का लेसन सेवन है, द प्राउड स्टैग। स्टैग मीन्स होता है बारह सिंगा, एक घमंडी बारह सिंगा के बारे में ये स्टोरी है। वंस ए स्टैग लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल फॉरेस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का एक राज्य है। तो इसमें कहा गया है वंस ए स्टैग लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल फॉरेस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। एक बार की बात है, एक स्टैग मीन्स एक बारह सिंगा आंध्र प्रदेश के खूबसूरत जंगल में रहता था। ही हैड ए लवली पेयर ऑफ हॉर्न्स, उसके दो जोड़ी मतलब दो सींग थे। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज हॉर्न्स, और वो अपने जो उसके सींग थे उस पर बहुत घमंड करता था। ही यूज्ड टू एडमायर हिज हॉर्न्स इन द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉन्ड, वो तालाब के पानी का जो रिफ्लेक्शन होता था, प्रतिबिंब होता था, उसमें देख कर अपने सींगों की बहुत प्रशंसा करता था। जैसा कि हम देख सकते हैं ये पिक्चर में, ये पानी में दिख रहा है। बट ही वॉज असेम्ड ऑफ हिज थिन अगली लेग्स, लेकिन वो अपने पतले लंबे पैरों को देखकर बहुत मतलब खुद को अपमानित सा महसूस करता था, उसे शर्म आती थी अपने पैरों को देखकर। वन डे व्हेन द स्टैग वॉज ड्रिंकिंग वाटर एट द पॉन्ड, ही हर्ड ए फ्यू डॉग्स बार्किंग, एक दिन की बात थी जब वो बारह सिंगा तालाब में पानी पी रहा था, तो उसने कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनी। ही न्यू द हंटर्स वर अराउंड, उसे पता पड़ गया कि हंटर जो शिकारी हैं वो आसपास ही हैं। ही रन्स फॉर हिज लाइफ, लेट मी हाइड समवेयर, उसने अपना जीवन बचाने के लिए उसे दौड़ना था, उसने कहा लेट मी हाइड समवेयर, मुझे कहीं छुपना है। इन हिज फ्राइट, भय में, द स्टैग स्टंबल एंड हिज हॉर्न्स गॉट एंटैंगल्ड इन सम ड्राई ब्रांचेज। स्टंबल मीन्स होता है लड़खड़ाना। वो क्या हुआ फिर, इन हिज फ्राइट, भय से क्या हुआ, जब वो दौड़ रहा था अपना जीवन बचाने के लिए, छुपने के लिए गए, तो वो उसका पैर लड़खड़ा गया। द स्टैग स्टंबल्ड, वो लड़खड़ा गया। एंड हिज हॉर्न्स गॉट एंटैंगल्ड इन सम ड्राई ब्रांचेज, और कुछ सूखी शाखाएँ थी उसमें उसकी जो सींगे थी वो फंस गई। He tried hard to free himself, but the dogs raised him. उसने अपने आप को छुड़ाने की, उससे अपनी जो उसकी सींगे थी उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ और कुत्ते उसके पास पहुंच गए। He tried harder and hurt his horns. उसने बहुत कोशिश की और अपने सींग को चोट पहुंचाई। At last, with great difficulty, he could free himself of the branches. अंत में बहुत मेहनत करने के बाद बहुत मुश्किल से वो अपने आप को छुड़ा पाया उन शाखाओं से। द रैन, ही रैन एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड कैरी हिम, वो जितना तेज दौड़ सकता था उतना तेज दौड़ा। इसमें फिर है, आई वॉज फंड ऑफ माई हॉर्न्स, वो कहता है कि जो स्टैग वो कहता है कि मैं अपने जो मेरी सींग है उसका मैं बहुत बड़ा शौकीन था, मतलब बहुत पसंद करता था। दे कुड हैव कॉज्ड मी डेथ, ये मेरी मृत्यु का कारण बन सकती थी। आई वॉज असेम्ड ऑफ माई लेग्स, दे सेव मी, और मैं अपने पैरों पर अपमानित सा शर्मिंदा महसूस करता था और इन्होंने ही मेरी जान बचाई। सो इसका जो शीर्षक नहीं, इसका जो निचोड़ है इस चैप्टर का है, ये है प्राइड गोज बिफोर ए फॉल। वर्ड मीनिंग है स्टैग, बारह सिंगा, एडमायर में सराहना करना, अगली ग्रुप, प्राउड गर्ल, रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब, फ्राइट मीन्स डर, टू फ्री स्वतंत्र करना, पॉन्ड तालाब, हॉर्न मीन्स सींग, हंटर मीन्स शिकारी, असैम मीन्स शर्मिंदा, रन फॉर लाइफ जान बचाकर भागना, इंटेंगल्ड उलझ गया, स्टंबल लड़खड़ा गया। इसके क्वेश्चंस देखेंगे, वेयर डिड द स्टैग लिव, स्टैग कहाँ रहता था, तो वो आंध्र प्रदेश के जंगल में रहता था। What was the stag proud of? स्टैग को किस पर घमंड था, मीन बारह सिंगा को किस पर घमंड था, तो अपने सींगों पर घमंड करता था। Why was the stag ashamed of his legs? वो अपने पैरों पर को देखकर शर्मिंदा क्यों होता था, क्योंकि वो उसे अगली लगते थे और अगली लगते थे। Why did the stag run for his life? स्टैग अपना जीवन बचाने के लिए क्यों भागा,
क्योंकि शिकारी और उसके कुत्ते उसके पीछे पड़ गए थे. हाउ डिड हिज हॉर्न गेट इंटेंगल्ड इन द ब्रांचेज, इसमें पूछा गया कि कैसे उसके जो बारहसिंगा की जो सींग थी वो कैसे शाखाओं में फंस गई थी. तो जब वो अपना जीवन बचाने के लिए भाग रहा था तभी लड़खड़ाया और कुछ सूखी शाखाओं में उसकी सींग फंस गई. व्हाट इज द स्टेक से अबाउट हिज हॉर्न एंड लेग्स, इसमें पूछा गया है कि स्टैग ने बारहसिंगा ने अपने हॉर्न और लेग के लिए क्या कहा. तो उसने कहा कि मैं अपने बारहसिंगा ने कहा था कि मैं अपने लेग्स पे हमेशा शर्मिंदा होता था और अपने हॉर्न की बहुत प्रशंसा करता था, लेकिन मैं अपने हॉर्न्स के कारण अपना जीवन गंवा देता और अपने लेग्स के कारण जिन पर मैं शर्मिंदा होता था उसके कारण मैंने अपना जीवन बचा लिया. व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम दिस स्टोरी, इसमें कहता है कि आपने क्या सीखा इस स्टोरी से. तो हमें कभी भी किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना, हमने यही सीखा है.